नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। कुछ फाइनेंशियल और कुछ हेल्थ इशू की वजह से मैं इस महीने लगातार वीडियो नहीं बना पाया हूं, इसके लिए मुझे बहुत ही खेद है। और बहुत सारे लोगों ने ईमेल करके, मैसेज करके, कमेंट करके ये पूछा कि आप कहाँ हो, कैसे हो, ठीक हो या नहीं हो, वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, कुछ अपने फैमिली प्रॉब्लम, कुछ फाइनेंशियल और हेल्थ इशू की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ और आपके लिए पूरी तरीके से, पूरे जी जान से एवरीडे वीडियो हमारे इस चैनल पे अब आते रहेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप नीचे दिए गए एक पेमेंट लिंक है, मेरी हेल्प कर सकते हैं ओमान न्यूज़ हिंदी चैनल को ऐसे ही अनवरत रूप से चलाने में हमारी मदद कर सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। इस लिंक पे जाकर के आप कुछ पेमेंट हमारे इस ओमान न्यूज़ हिंदी चैनल को डोनेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें तो ओमान में इस समय रमजान का महीना चल रहा है। सभी लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो व्रत रखे हुए हैं, रोजा रखे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सल्तनत में इस समय एक्सीडेंट के जो केस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, रॉयल मान पुलिस ने जब इसके बारे में जांच पड़ताल की तो ये सामने आया कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, कहीं घर से अपने बाहर हैं, दूर हैं, किसी काम से गए हुए हैं, और जैसे ही शाम होती है तो उनको लगता है कि रोज़ा खोलने के वक्त पर वो अपने घर पहुंच जाएं, और इसके चक्कर में वो स्पीड लिमिट को क्रॉस करते हुए गाड़ी बहुत ज़ोर से चलाते हैं। और इसका खामियाजा ये होता है कि वे एक्सीडेंट का भी शिकार हो जा रहे हैं, और साथ में आप अपनी जान के साथ साथ, अपने साथ साथ जो लोग रोड पर ट्रेवल कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा बन जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने तय समय से पहले सुरक्षित आराम से गाड़ी चलाकर अपने घर आइए। यदि उपवास खोलने में आपको देरी हो रही है तो रास्ते में ही किसी आउटलेट्स पे आप रुक करके अपना उपवास खोल लें। उपवास खोलने के चक्कर में तेज गाड़ी ना चलाएं ताकि आप और आपके साथ रोड पर चलने वाले और लोग पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। सल्तनत में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो कर्मचारी काम करते हैं उन लोगों को ईद के पहले उनके अप्रैल के महीने के वेतन मिल जाए, इसके बारे में ओमानी सरकार ने श्रम मंत्रालय के द्वारा एक कानून, एक नया फरमान जारी किया है। इसके तहत निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सैलरी उनकी कंपनियाँ 21 अप्रैल तक दे दें ताकि ईद के पहले उनके पास पर्याप्त ऐसे हो, पर्याप्त समय हो ताकि वो ईद की तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लें। आपको पता होगा कि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां लगातार मजदूरों का जो शोषण करती हैं, उनके एक महीने, दो महीने, तीन तीन महीने की सैलरी होल्ड पे रखती हैं। लेकिन ओमान का श्रम मंत्रालय, जब उनको इस बात का खबर पता चला है कि कैसे निजी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सैलरी के इंतजार में अपने वो त्यौहार को सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, इसके लिए ये फरमान जारी हुआ है। यानी कि 21 अप्रैल तक, अप्रैल में काम किए हुए पैसे, अप्रैल में किया गया आपका जो मेहनत है, ड्यूटी है, उसका पैसा 21 अप्रैल तक कंपनियों को अपने मजदूरों को देना अनिवार्य होगा। और यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आपकी कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही है, तो श्रम मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे या फिर कॉल, जो उनका हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल करके कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। और यकीन मानिए, आपके एक फोन कॉल से आपकी कंपनी हिल जाएगी, क्योंकि श्रम मंत्रालय इसके बारे में बहुत ही स्ट्रिक्ट है कि जो भी वर्कर अप्रैल के महीने में काम कर रहा है उसकी सैलरी 21 अप्रैल तक मिल जानी चाहिए। ओमान के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के द्वारा एक अपडेट आया हुआ है कि देखिए, सोहार एयरपोर्ट को अब डायरेक्ट फ्लाइट से कनेक्ट किया जाएगा। देखिए, आप यदि सोहार से सीधे भारत आना चाहते हैं तो भारत के कोझिकोड से डायरेक्ट फ्लाइट सोहार के लिए अवेलेबल होगी। सलाम एयर ने अनाउंसमेंट किया है कि अब 2 फ्लाइटें प्रति सप्ताह इस नए रूट पे चलेंगी। पहला रूट है कोझिकोड से सोहार और दूसरा रूट है जेद्दा से सोहार, यानी कि डायरेक्ट फ्लाइट यहां से नहीं चलती थी, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सलाम एयर एक बजट एयरलाइन कंपनी है, कम पैसे में आपको ट्रेवल करने का मौका देती है। देखिए, सल्तनत में अब जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है इसको बढ़ावा देने के लिए 8 व्यापार में अनिवार्य कर दिया गया है कि आप इसको ऑनलाइन पेमेंट ही स्वीकार कर सकते हैं। देखिए, एक नया अनुच्छेद जारी हुआ है, एक नया फैसला हुआ है, और इस फैसले के अंतर्गत यदि आप ओमान में, आप कैफेटेरिया में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, सब्जियों फलों के दुकान पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान पर जाते हैं, या फिर निर्माण से संबंधित आप कोई सामान खरीदते हैं, तंबाकू से संबंधित कोई सामान
सामान खरीदते हैं, तो इन सभी जगहों पर जो गतिविधियां हैं उसमें ऑनलाइन पेमेंट को अनिवार्य कर दिया गया है। और इस ऑनलाइन पेमेंट को अनिवार्य करने के पीछे का जो कारण ये है कि ओमानी सरकार 2040 विजन के तहत ओमान की अर्थव्यवस्था को एक तरीके से पूरी तरीके से डिजिटल करना चाहती है। ओमान के नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण की टीमों के द्वारा डोफार के राज्यपाल में सलाला विलायत में लगी एक घर के आग को काबू में ला दिया गया है। इस घर के तीसरी मंजिल पर आग लगी थी और क्रेन की मदद से जो फायर फाइटर्स हैं वहां तक पहुंचे और इस आग को पूरी तरीके से बुझा लिया गया है। आसपास के रिहायशी इलाकों में आग के फैलने का खतरा था, लेकिन रॉयल ओमान पुलिस और नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण की जो टीमें हैं किसी भी आपातकालीन सिचुएशन से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। ज़रूरत है तो उन तक सही समय पर सूचना पहुँचाने की। आप भी यदि किसी मुसीबत में हैं तो 9999 पे कॉल करके ओमान की सेनाओं की मदद ले सकते हैं।